दोस्तों 30-60 की सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी फेसेस की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, वहां पर हमने अपलोड कर रखी है। आपको यहां पर 8 से 10 वीडियोस यहां पर देखने को मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी, हमने आपको जैसे बताया, नॉर्थ फेसिंग की है और आपको इसके अंदर 6 बेडरूम देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारी जो ये सीरीज है इसकी हर वीडियो में आपको यहां पर 5 से 6 बेडरूम देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर हम इस हाउस की डिटेल्स की बात करें तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी कि आपको इसके अंदर कितने बेडरूम, कितने टॉयलेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और जो इसके अलावा जो इसकी कॉस्टिंग आने वाली है वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो हमने पूरे अच्छे तरीके से वहाँ पर जो ये डिटेल्स है हमने वहाँ पर प्रोवाइड की है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के हमारी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। और क्या आइए दोस्तों हम हाउस के फ्रंट एलिवेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर मेन एंट्रेंस आपको अलग से देखने को मिल जाएंगी और आपको इसी के साथ हाउस का एक पेडेस्ट्रियन गेट भी यहाँ पर अलग से देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आपको हाउस के फ्रंट में एक आपको यहाँ पर शानदार गार्डन एरिया देखने को मिल जाएगा। और अगर हम इससे आगे बढ़ें तो आपको यहाँ पर 11x19 फुट और 3 इंच का यहाँ पर आपको हाउस का पार्किंग एरिया देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर अपनी बड़ी से बड़ी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 अलग अलग एंट्रेंस देखने को मिल जाएंगी, जो एक तो आपके हाउस के लिविंग एरिया में जाती है और एक एंट्रेंस वो जो आपके हाउस के ड्राइंग रूम में जाती है। आप देख सकते हैं ये है हाउस का ड्राइंग रूम एरिया, आप इसकी सीलिंग देख सकते हैं। और दोस्तों इस ड्राइंग रूम का साइज है आपका 12x14 फिट का। और दोस्तों आपको हाउस के ड्राइंग रूम के साथ अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। इसका साइज 4x9x5 का रहेगा और आपका ये टॉयलेट कॉमन यूज में भी आएगा। इसका एक डोर आपको कॉमन यूज के लिए हाउस के फॉयर में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो हाउस का मेन डोर है वो आपको हाउस की पार्किंग एरिया में देखने को मिल जाएगा। और आप इसकी एंट्री पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर फोयर देखने को मिल जाएगा और आप इसी फोयर से अपने हाउस का कॉमन टॉयलेट यूज कर सकते हैं। और आपको इसी फोयर से हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में एंट्रेंस देखने को मिल जाएंगी। और ये है हमारे हाउस का लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया, आप इसका व्यू देख सकते हैं। हमने इसके बैक साइड में इतने अच्छे साइज का एक यहाँ पर कोर्टयार्ड दिया है, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अच्छी लाइट देखने को मिल जाएगी और इस एरिया का साइज रहेगा 13x3x18 का। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम आपको हमारे हाउस के कोर्टयार्ड की तरफ लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अच्छा स्टोन वर्क किया है, आप देख सकते हैं अच्छे। आप यहाँ पर प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम की बात करते हैं। ये है दोस्तों हमारे हाउस का फर्स्ट बेडरूम। इसका साइज 11x14 फिट का रहेगा। आपको यहाँ पर अच्छी वेंटिलेशन, अच्छी वार्डरोब, एक साइड में आपको यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और सामने एक आपको अच्छा टीवी पैनल देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमारे हाउस के पूजा रूम की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पर पूजा रूम अच्छे साइज का मिल जाएगा, जो कि आपकी यहाँ पर डिमांड रहती है। आपको यहाँ पर पूजा रूम 11x5 फिट का देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपने कम से कम 3 से 4 जन आप यहाँ पर बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं। तो
दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर हाउस की एक गैलरी देखने को मिल जाती है और इसी गैलरी के अंदर आपको यहाँ पर ओपन किचन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस किचन का साइज़ आपका 11x13 फिट का रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छा साइज़ है। एक रूम जितना आपको यहाँ पर साइज़ देखने को मिल जाता है और इतना साइज़ एक्चुअल में एक हमारे हाउस की किचन का होना भी चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हम हाउस में आगे बढ़ते हुए हम हाउस का जो बैक साइड में ओपन एरिया है, जो आपका यूटिलिटी एरिया रहेगा, वो आपको दिखाते हैं। ये है हाउस का आपका यूटिलिटी एरिया। आप इस एरिया को अपना वॉशिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम हाउस की गैलरी से होते हुए हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर दो बेडरूम देखने को मिल जाते हैं, जो एक अच्छी बात है आपके हाउस के लिए। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे हाउस का सेकंड बेडरूम और इसका साइज़ 12x13 फिट का है। इसके अंदर आपको अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन, अच्छी सीलिंग, आपको अच्छी वार्डरोब, एक साइड में ड्रेसिंग और सामने आपको यहाँ पर टीवी पैनल देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ इतना ही नहीं, आपको इसी के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है। तो आप इस बेडरूम को अपना मास्टर बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड रहेगा। तो आइए चलिए इसके बाद इसके अटैच टॉयलेट की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इस टॉयलेट का साइज़ है 5x8 फिट का, जी हाँ। और आप देख सकते हैं जो कि एक अच्छा साइज़ होता है आपके हाउस के लिए। और ये आपके इस टॉयलेट का एक्सटेंडेड साइज़ है 5x8। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे हाउस के स्टेयर से होते हुए हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं स्टेयर से आपको पूरा कोर्टयार्ड और लाइटनिंग का एक अच्छा व्यू आने वाला है। और देख सकते हैं आपको अप करते ही आपको यहाँ पर जो हमारे हाउस की ड्यूप्लेक्स लॉबी है, इसका व्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारे हाउस का थर्ड बेडरूम रहेगा, वो आपको हाउस के फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस रूम का साइज़ आपका 12x14 फिट का रहेगा, जो कि एक अच्छा साइज़ है। हमने इस रूम में आपको यहाँ पर वार्डरोब नहीं दी है, क्योंकि इस रूम के साथ आपका अटैच ड्रेसिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अटैच बालकनी भी देखने को मिल जाएगी। तो आइए चलिए इसके बाद हम हाउस के ड्रेसिंग एरिया की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4'9" x 5'5" और 7.5" का आपको यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छे साइज़ में हमने आपको यहाँ पर दिया है। और इसी ड्रेसिंग एरिया के एक साइड में आपको यहाँ पर अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पर हमारा जो एक कॉमन टॉयलेट था, वो हमारा ऊपर अटैच हो चुका है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4'9" x 8' का यहाँ पर अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। आप इसका इंटीरियर डिज़ाइन देख सकते हैं, अच्छी हमने यहाँ पर ग्रे टाइल्स यूज़ किए हैं। तो इसके बाद दोस्तों हाउस के फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो आइए चलिए, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर हाउस का फोर्थ बेडरूम देखने को मिल जाता है। और इस बेडरूम का साइज़ 11x14 फिट का है। आपको यहाँ पर अच्छे साइजेस देखने को मिल रहे हैं और इंटीरियर आप देखते रहिए, आपको इस रूम में भी अच्छी वार्डरोब और आपको इस रूम के साथ अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी। आप इसको बालकनी क्या, आप इसको ब्राउंडा बोलिए। आपको यहाँ पर अच्छे साइज़ का एक ब्राउंडा देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर अपना अच्छा एक सिटिंग का इंतज़ाम कर सकते हैं और अच्छी आप यहाँ पर प्लांटिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम हाउस के फिफ्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम काफ़ी अच्छे साइज़ में देखने को मिल जाता है। इसका साइज़ 11x13 फिट का रहेगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग देखने को मिल जाता है और इसका साइज़ 5x7 फिट का रहेगा, जो कि एक अच्छा साइज़ है। और दोस्तों आपको इसी बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा, हम जो आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे।
तो दोस्तों ये है हमारे बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट, और ये टॉयलेट आपके कॉमन यूज में भी आएगा। और इस टॉयलेट का साइज आपका 4 फिट 9 इंच बाय 9 फिट का रहेगा, जो कि आपका एक इनफ साइज है। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हाउस के 6th बेडरूम की तरफ, और ये बेडरूम हमें पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हम आपको अभी बता दें, क्योंकि जो इसकी वाइट टोन है ये इतनी अच्छी लगती है हमें देखने में। बाकी आप इस बेडरूम को देख सकते हैं, इसका साइज 12x13 फिट का रहेगा। अच्छी वार्डरोब, सामने आपको यहाँ पर एक टीवी पैनल और आपको अटैच टॉयलेट इसके साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम आ चुके हैं हमारे हाउस के टेरेस एरिया पर। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास, एक साइड में आपको यहाँ पर एक अच्छे साइज में परगोला देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अच्छा हमने यहाँ पर जो हमारा स्पेस है हमने इसको यूटिलाइज किया है। आप देख सकते हैं अच्छी आपको यहाँ पर सिटिंग देखने को मिल जाती है, अच्छी आपको यहाँ पर प्लांटिंग देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो इसके डाउनलोड लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी इच्छा से जो भी आपको इसका प्लान चाहिए वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।